कभी फ्रेंड्स हम खेत में नहीं आते हैं तो थोड़ा सा हम पल्लो नीचे करके ही काटेंगे, हम दुल्हन के रूप में होंगे। हमारे नाना को देखिए कितना ठंड लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आज आ गई हूँ अपने खेत में, वो भी गोभी के खेत में। तो आज हम ले लिए दौरी और साथ में ले लिए हंसुआ, इसी से हम गोभी काटेंगे और घर ले चलकर हम बनाएंगे गोभी पराठा। देखिए दोस्तों, गोभी का खेत कितना सुंदर लग रहा है और पूरा यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पेड़ पौधे एक से एक लगे हुए हैं, यहाँ पपीता भी खेत में लगा हुआ है। तो चलिए हम फटाफट गोभी काट लेते हैं, जितना आवश्यकता होगा उतना ही हम काटेंगे गोभी। सबसे पहले हम गोभी को देख लेते हैं कौन सा हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, तो जो हुआ होगा वही काटेंगे गोभी। तो यहाँ हम दगरी रख देते हैं, और कभी फ्रेंड्स हम खेत में नहीं आते हैं तो थोड़ा सा हम पल्लो नीचे करके ही काटेंगे, यहाँ हम दुल्हन के रूप में होंगे। आप लोग देखिएगा, आइए हम दिखाते हैं आपको गोभी। तो देखिए अभी ये गोभी छोटा है, इसको अभी हम नहीं काटेंगे। तो आइए हम और भी देख लेते हैं गोभी। तो यहाँ देखिए ये वाला गोभी हो गया है, इसको हम काट लेते हैं। देखिए हम काट लिए और दगरी में रख देते हैं। तो इसी तरह हम दो तीन फूल काट लेते हैं गोभी। देखिए कितना अच्छा गोभी है, कितना सुंदर गठीला गठीला गोभी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना हम गोभी काट लिए हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा धनिया और लहसुन लेने, इसके बाद हम चलेंगे घर। यहाँ देखिए हम थोड़ा सा सुअर लगाए हैं, एक पेड़ बहुत अच्छा जमा हुआ है, इसको भी हम काट लेते हैं। पूरा हम जड़ से नहीं सुअर को काटेंगे, बस इसका हम हल्का हल्का निकाल लेंगे, फिर पनका देगा सुअर तो हमारा फिर तैयार हो जाएगा सुअर। देखिए एक पौधे में से हम इतना सुअर काट लिए हैं, अब हम चलते हैं धनिया काटने। और पेड़ हम छोड़ दिए, फिर पनकेगा, फिर इतना सुबह तैयार हो जाएगा। सुबह को भी रख लेते हैं इसी गोभी में। आ गए हम धनिया काटने। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, देखिए कितना सुंदर टमाटर का पौधा लगा हुआ है और पौधे में फल आना शुरू हो गया है। फिर टमाटर के बगल में देखिए धनिया भी लगा हुआ है और कितना हरा भरा लग रहा है, कितना सुंदर धनिया भी दिख रहा है। और यहाँ आप लोग देखिए कितना सुंदर बकला भी हम लगाए हैं, यहाँ को काट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम खेत से गोभी लेकर चले आए हैं, तो सबसे पहले हम धनिया को हटा ले रहे हैं, इसके बाद हम पत्तियां तोड़ लेंगे गोभी का। तो एक एक करके हम सारी गोभी की पत्तियां हम तोड़ लेते हैं। इसके बाद हम धो लेते हैं, धो कर 10 मिनट हम सुखा लेंगे गोभी को, हम धो लेते हैं। धोकर और 10 मिनट हम सुखा लेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे। थाली में हम रख ले रहे हैं, जब तक हमारा गोभी सूख रहा है तब तक हम आटा लगा ले रहे हैं, और आटे में हम डाल देते हैं थोड़ा सा हाथों से मिसलकर अजवाइन, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। अब आटा को हम गूंथ लेते हैं, इसको हम हल्के हल्के पानी डालकर गूंथेंगे आटा को, एक बार पानी नहीं डालेंगे।
तो देखिए आटा को हम गूंथ कर तैयार कर लिए हैं। इसके ऊपर से हम लगा लेते हैं ऑयल, तो हम बड़े चम्मच से 1 चम्मच, आप चाहें तो इसमें घी डाल सकते हैं या रिफाइन या सरसों का तेल, आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं आटा सॉफ्ट करने के लिए। आटा को हम अच्छी तरीके से गूंथ लिए हैं, अब इसको हम ढक कर रख दे रहे हैं 10 मिनट के लिए और आटा सॉफ्ट होगा। गोभी को हम धो कर रखे थे सुखाने के लिए, गोभी हमारा सूख चुका है, अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इधर गोभी कद्दूकस कर लिए हैं और इधर देखिए हमारी ननद चूल्हा जला दिया, तावे रख दिया है बनाने के लिए। आज हम और हमारी ननद मिलकर बनाएंगे गोभी पराठा। आज हमारे और हमारे ननद में शर्त लगा है, सबसे अच्छा कौन बनाता है गोभी पराठा। तो चलिए आप लोग देखकर जरूर बताइएगा कमेंट में कि हम बनाते हैं अच्छे कि हमारी ननद बनाती हैं, तो हमें जरूर बताइएगा। इसमें का पानी हम निकाल ले रहे हैं, तो निकालने के लिए हम एक कॉटन का कपड़ा लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना पानी निकल रहा है। अगर हम इसी तरह बना देते गोभी पराठा तो हमारा अच्छा भी नहीं बनता, एकदम गीला गीला हो जाता, तो इसीलिए हम पानी निचोड़कर ही बनाएंगे गोभी पराठा। अब लग रहा है इसमें पानी नहीं है और पानी निकल चुका है, देखिए बाहर भी नहीं आ रहा है, तब इसको हम रख दे रहे हैं इसी थाली में। देखिए गोभी कितना भर भरा हो गया है जब हम पानी निकाल लिए हैं। तो यहाँ हम 3 हरी मिर्च काट कर रखे हैं बारीकी, ये 1/2 इंची अदरक घसी हुई, यहाँ 4-5 कलियाँ हम लहसुन काट कर रखे हैं, यहाँ एक छोटा सा प्याज मीडियम हम घसे हैं और यहाँ हरी धनिया, तो हम हरी मिर्च को डाल देते हैं, अदरक को भी डाल देते हैं, या लहसुन भी डाल देते हैं, या अगर प्याज खाना पसंद करते हैं तो प्याज डालिए, अगर नहीं खाना पसंद करते हैं तो बिल्कुल मत डालिए। धनिया को सबसे हम ऊपर से डालेंगे, इसके ऊपर से हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, छोटी चम्मच 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला, 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा, यहाँ 1 चम्मच हम लिए हैं आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच हम हींग डाल देते हैं, इसके ऊपर से हम अजवाइन डाल देते हैं हाथों से मसल कर, इसके ऊपर से हम डाल देते हैं 1 चम्मच सौंफ, नमक हम अभी नहीं डालेंगे, भरते समय हम डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, इसके ऊपर से हम डालेंगे हरी धनिया, बहुत अच्छे से हम फिलिंग भर कर तैयार करेंगे। तो इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लिए हैं, अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, ताकि नमक हमारे आटा में भी आए, तो इसमें हम थोड़ा सा कम डालेंगे। अब हम जा रहे हैं गोभी पराठा बनाने, तो इसीलिए हम नमक अभी डाले हैं, बनाते ही समय नमक डालना है। आटा को हम देख लेते हैं, तो देखिए आटा भी चिकना हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम नरम नरम हो गया आटा, अब इसको हम मिला लेते हैं फिर से। आटा हम चिकना कर लिया है, इसके बाद हम लोई काट लेते हैं, और लोई को हम थोड़ा सा रोटी जो बनाते हैं उससे हम थोड़ा सा बड़ा सा लेंगे, ज़्यादा हम बड़ा नहीं लेंगे। लोई बना लिए हैं, अब इसमें हम लगा लेते हैं थोड़ा सा परथन, इसके बाद हम कटोरी से हम गहरा करेंगे, तो हम आरी आरी से पतला ही करेंगे, बीच वाला नहीं करेंगे। तो इसको हम हाथों से दबा दबा कर भरेंगे, देखिए हम दबा लिए तो कम हो गया है,
अब इसको हम इसी तरफ चारों तरफ से मोड़ लेंगे इसका मुंह। फिर से दबा दिया है और इसके बाद हम फिर गोल बना लेंगे। देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हो गया है। इस फिर हम से लगा ले रहे हैं परथन थोड़ा सा। उसके बाद से हाथों से हम जितना ही बढ़ेगा उतना हम बढ़ा लेंगे। जितना हाथों से बढ़ाना था उतना हम बढ़ा लिए हैं। अब ले रहे हैं चौकी और ले रहे हैं बेलन। फिर से हम हल्का सा लगाएंगे परथन, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और रोटी तरह से हम नहीं बेलेंगे, एकदम हल्के हाथों से हम बेलेंगे। जितना ही हम हल्के हाथों से बेलेंगे उतना ही बड़ा होगा रोटी। तो जितना ही हम हल्के हाथों से बेलेंगे बेलन से उतना ही आराम आराम से बढ़ेगा और फटेगा भी नहीं। लोई बनाई हम बेलेंगे, हमारी ननद भरेंगी और लोई देखिए बनाने जा रही हैं। तो हम बेल लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स किधर से भी फटा हुआ नहीं है रोटी, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना सुंदर हम बेल कर तैयार किए हैं। और तवा हम गरम कर लिए हैं, अब डाल देते हैं तवे पर। जिस तरह हम पाला रोटी भरे हैं उसी तरह हम ये भी भर लेंगे। नीचे का भाग सीख गया है तो हम पलट दिए रोटी। तो रोटी को हम एकदम धीमी आंच पर सेकेंगे, एकदम करारा करारा सेक कर तैयार होगा रोटी हमारा। तो नीचे की तरफ सीख गया है, तो इसके ऊपर से हम लगा देते हैं रिफाइन। अब इसको हम पलट देते हैं। तो इसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा लगा देते हैं रिफाइन। तो देखिए कितना फूला फूला हो रहा है गोभी पराठा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना करारा बनकर तैयार हो गया है गोभी पराठा, एकदम फूला फूला। इसी थाली में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर से हम डाल देते हैं दूसरा। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा रोटी हमारा बनकर तैयार हो रहा है। और थोड़ा बहुत फटेगा रोटी तो भी चलेगा, ताकि गोभी हमारा सिका हुआ नहीं है। तो जितना ही गोभी हमारा सिकेगा उतना ही हमारा पराठा बहुत मज़ा आएगा खाने में, और स्वाद भी और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह हम हल्के हल्के बेलन से बेलेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त बना एकदम। फ्रेंड्स हमारी ननद को देखिए कितना ठंड लग रहा है, चूल्हे के पास भी बैठी है तो अभी भी साल ओढ़ कर बैठी है। बताइए अभी इतना इनको ठंड लग रहा है, ससुराल जाएंगी तो कैसे काम करेंगी। और देखिए हम तो एक भी स्वेटर भी नहीं पहने हैं, हम तो उसी तरह बैठे हैं। इसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा लगा दे रहे हैं। पराठा फूला फूला तैयार हो रहा है, एकदम करारा बनकर तैयार हो रहा है। निकाल दे रहे हैं थाली में।
देखिए दोस्तों, इतना हम परेठा बनाकर तैयार कर लिया और काफी रात हो रही है, तो एक बच्चा है तो हमारी इधर ननद बना रही है। आज हमने इसको मसालेदार गोभी परेठा बनाकर तैयार किया है, तो इसलिए ना हमने चटनी रखा है, ना दही रखा है, ना कोई अचार रखा है। आप अगर किसी भी चीज से खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। तो आज हमारा गोभी परेठा मसालेदार ही रहेगा, हम लोग कोई भी चीज से नहीं खाएंगे, उसी तरह खाएंगे और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अनुभव जाएगा रेसिपी, आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।